एवरीवन, वेलकम टू सैंग स्टाइल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक फ्रेंच ब्रेड फॉर बिगनर्स स्टेप बाय स्टेप। यानी कि आज हम फ्रेंच चोटी बनाना सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको अपने सर के आगे वाले बालों का कुछ भाग इस प्रकार लेना है, जिसमें आपको थोड़े से बाल लेने हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे बाल काफी रहेंगे। फिर आपको इन बालों को तीन भाग में डिवाइड कर देना है, जैसे हम चोटी बनाते हैं वैसे के वैसे। तो आप देख सकते हैं हमने बालों को तीन भाग में डिवाइड कर दिया है। फिर आपको कुछ इस प्रकार करना है जैसे मैं दिखा रही हूं। फिर आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारे पास मिडिल में जो बाल हैं, अब हम इन बालों में हमारे जो आगे वाले बाल हैं उनको ऐड करेंगे। तो आप देखिए कैसे करेंगे ऐड। तो आपको इस प्रकार अपने सर के कुछ साइड साइड वाले बालों को लेना है और जो हमारे पास मिडिल वाले बाल हैं उनमें ऐड कर देना है। तो ध्यान रखिए आपको ये सारे बाल अपने मिडिल वाले जो बाल हैं उसमें आपको ऐड कर देना है। तो ये देखिए हमने इसमें ये वाले बाल ऐड कर दिए। काफी सिंपल सा प्रोसेस है। फिर हम वापस चोटी बनाते हैं वैसे। जो हमारे पास मिडिल में जो बाल आएंगे उसमें हम वापस अपने सर के साइड से थोड़े थोड़े बाल लेंगे। देखिए किस प्रकार, इस प्रकार आपको अपने सर के साइड में से कुछ बाल लेने हैं और इससे अपने मिडिल वाले जो बाल हैं, मिडिल वाले जो बालों का भाग है उसमें जोड़ देना है या ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं काफी सुंदर सी चोटी बन रही है ये। और कभी कभी हमें नॉर्मल चोटी से कभी स्टाइलिश चोटी भी ट्राई कर लेनी चाहिए। जो भी मैं आपको हेयर स्टाइल बता रही हूँ वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, हेयर स्टाइलिंग प्लेलिस्ट में। तो फिर आप वापस चोटी बनाते हैं वैसे, मिडिल में एक भाग ऐड करेंगे। अब आपको मिडिल वाले बालों में हम अपने सर के साइड साइड में से कुछ बाल लेंगे और उन बालों को हम अपने मिडिल वाले बाल में ऐड कर देंगे। सिंपल। तो आप देख सकते हैं काफी सुंदर सी चोटी बन रही है हमारी। तो बिगनर्स के लिए मैं आराम आराम से बता रही हूँ। फिर आप वापस इस प्रकार करेंगे और फिर वापस आप अपने सर से साइड साइड से बाल लेंगे और जो हमारे पास इसमें बालों का बीच वाला भाग है उसमें आप ये बाल ऐड कर देंगे। ओके। फिर वापस आप जैसे चोटी बनाते हैं वैसे बनाएंगे। फिर जो हमारे पास बीच में जो बाल आए हैं उसमें हम अपने सर के साइड साइड से बाल लेंगे और ऐड कर देंगे बीच वाले बालों के भाग में। तो आप देख सकते हैं हम इस प्रकार साइड साइड से बाल ले रहे हैं और जो बीच वाले भाग में हमारे पास बाल हैं उनमें ये सारे बाल ऐड कर देंगे इस प्रकार। ओके, सिंपल सी बात है। फिर आप इस प्रकार कंघी भी कर सकते हैं ताकि हमारी चोटी अस्त व्यस्त ना लगे, काफी सुंदर सुंदर सी क्यूट क्यूट सी चोटी लगे। फिर आप वापस इस प्रकार चोटी करेंगे और फिर जो हमारे पास बीच वाले बाल का जो भाग होगा उसमें हम अपने सिर के साइड साइड वाले बाल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे इस प्रकार। फिर आप देख सकते हैं हमारे पास अब सर के साइड में थोड़े से बाल बचे हैं, उन सभी बालों को हम बीच वाले जो बालों का भाग है उसमें ऐड कर देंगे। फिर हम जैसे नॉर्मल चोटी बनाते हैं वैसे हम चोटी बना लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर भी रबर बैंड लगा सकते हैं, नहीं तो आप चोटी भी बना सकते हैं, वो भी काफी स्टाइलिश लगता है। तो जितने भी मैंने हेयर स्टाइल की जो वीडियो बनाई हुई है वो आपको हेयर स्टाइलिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, नहीं तो आपको एंड स्क्रीन में भी वो मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये काफी चोटी सुंदर और स्टाइलिश लग रही है, कॉलेज जाते वक्त ये काफी अच्छी लगेगी। तो इसका फाइनल लुक अभी आपको दिखा देते हैं, ये कुछ इस प्रकार लग रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू सैंग स्टाइल। बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो एंड सैंग स्टाइल। थैंक यू।